Hey guys, welcome back to another GTA 5 Android video. So guys, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए ऐसा मोड आप लोगों के लिए ले आया हूँ जो कि आपके एंड्रॉयड के अंदर आपको GTA 5 का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है. एंड वो जो फैन मेड वर्जन है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका गेम प्ले जो है मैं आपको कुछ ही देर में दिखाने वाला हूँ. जब तक उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि वीडियोज़ जो है दो दिन में एक बार आएगी, तो फाइनली ये वाली जो वीडियो है दो दिन हो चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियो को, देन मैं अब इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ. उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो जब मैं पब्लिश करता हूँ, बेसिकली पब्लिश करने के साथ ही मैं उसको जो है प्रीमियर भी कर देता हूँ, तो होता क्या है कि काफ़ी कम लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन जाता है और उस वजह से जो है काफ़ी कम लोग होते हैं जो नॉर्मली वीडियो पे आते हैं एंड वीडियो को वॉच करते हैं एंड लाइक कमेंट वगैरह करते हैं. तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि आप खुद देखो कि लाइक इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद भी दो या तीन या चार मैक्सिमम या पांच बंदे कभी कभार प्रीमियर पे आते हैं, लाइक इतनी वॉचिंग रहती है. तो आपको करना क्या है, अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है उसके साथ में आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं किया हुआ है तो उसको ऑल पे कर दो, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करने के बाद जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जो है जैसे ही मैं वीडियो प्रीमियर करता हूँ आप जो है मेरी वीडियो पे हैंड टू हैंड आ सकते हो, हैंड टू हैंड उस मोड को डाउनलोड कर सकते हो एंड आप चैट पे मेरे से बात भी कर सकते हो लाइव. तो इसका एडवांटेज आप उठा सकते हो. एंड ऑल्सो अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर देना, क्योंकि नए बंदे से मैं यही कहना चाहूंगा कि यार सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया तो होता क्या है, काफी सारे लोग सब्सक्राइब्ड है लेकिन फिर बेल नोटिफिकेशन किसी ने नहीं दबाया होता है, इस वजह से नोटिफिकेशन काफी कम लोगों के पास जाता है, काफी कम लोग जो होते हैं वो वीडियोस को देखते हैं और काफी लोग वीडियो मिस कर देते हैं. सो ये गलती मत करना गाइस, अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दो जल्दी से नीचे अभी के अभी वीडियो आपको कैसी लग रही है. एंड आगे मैं आपको इसके बारे में और बताने वाला हूं कि किस चीज का और कौन सा वर्जन मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं GTA 5 एंड्रॉइड के अंदर, जो कि आपको GTA 5 का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है ऑन योर एनी एंड्रॉइड. सो लेट्स गो टू द गेम प्ले. सो गाइस, ये आप देख सकते हो ये आपके GTA 5 का सबसे बेस्ट फैन मेड वर्जन होने वाला है, क्योंकि इस फैन मेड मोड के अंदर आपको माइकल का यहाँ पे हाउस देखने के लिए मिलने वाला है और इसके अलावा आपको माइकल के यहाँ पे प्राइमरी कार भी देखने के लिए मिलने वाली है. माइकल का पूरा हाउस है वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिज़ाइन किया गया है ओरिजिनल से अगर कंपेयर करो तो आप, और उससे भी अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगती है जो इसका व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है आपके रियल ओरिजिनल GTA 5 से, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीव्यू होता है बेसिकली जो व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम प्ले का, ठीक है. तो यहाँ पे वही चीज़ जो है आप पे देखने के लिए मिलेगी आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक आपको बना देगी. एंड साथ में जो कंट्रोल्स आप देख रहे हो ये सिमिलर आपके GTA San Andreas एंड्रॉइड से है, तो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ पे आपको गन सेलेक्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा. माइकल की कार को यहाँ पे आपको ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गैराज के बाहर जाकर के उसके बाद में आपको यहाँ पर ड्राइव करना होगा, तब आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे गेट इन का. जैसे ही आप गेट इन के बटन पे क्लिक करते हो देन यू विल बी गेट इन ऑन योर कार एंड देन आप जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे व्यू के साथ यहाँ पे कार को एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे ड्राइविंग कर सकते हो. यहाँ पे आपको जो है हाफ मैप देखने के लिए मिल जाएगा जो अराउंड माइकल के हाउस के अराउंड होता है, थोड़ा बहुत जो मैप होता है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा. और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी है वो ये है कि आप जो है हर एक फैन मेड मोड के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप अपने फोन के अकॉर्डिंग सेटिंग्स को लो कर सकते हो, हाई कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो. इफ योर डिवाइस इज लो, आपका डिवाइस बहुत ज्यादा लो है एंड उस सिचुएशन में आपका कोई भी ऐसा बीटा वर्जन है जो आपके फोन में रन नहीं करता अच्छे से, तो आप जो है अपनी सेटिंग्स को थोड़ा लो कर सकते हो. सेटिंग्स पे जाके आप जैसे मैप पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा ग्राफिक सेटिंग का, हाई करने का, नॉर्मल करने का, लो करने का, तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो. साथ में यहाँ पे जो आपको हाउसेस देखने के लिए मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक देखने के लिए मिल रहे हैं, जो स्काई बॉक्स है वो GTA 5 ओरिजिनल से आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है. एंड ये इसे देख के लगता है कि अभी डेवलपिंग में है, अभी मे भी आगे जाके और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा है. इसका डेवलपर का नेम मैं यहाँ पे नीचे दे दूंगा एंड पूरा का पूरा कैडेट जो है उसी को जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबिलिटी के साथ में बीटा वर्जन को डिज़ाइन किया गया है. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट बीटा वर्जन फॉर योर एंड्रॉइड फॉर योर लो एंड डिवाइस ऑल्सो
support your high-end device. So I think this is the best fit fan made for your Android. So guys, जरूर try करो. बहुत ज़्यादा awesome है. इसकी only APK आपको try करनी है. I mean APK आपको download करके install करनी है. Link मैंने APK का description में दे दिया है. Go and download now. But उससे पहले सबसे पहले यार motivation जरूर देना. क्यों motivation? Motivation basically ये है कि आप subscribe करके bell notification को all पर करके नीचे comment जरूर कर देना. आपको video कैसी लगी? ये fan man mode कैसा लगा? I hope कि ये video आपको अच्छी लगी होगी. मैं मिलता हूँ guys आपसे next video में किसी और अच्छे video के साथ में. तब तक के लिए चैनल पे स्टे कनेक्टेड रहिए.